अस्सलाम वालेकुम। आज इंसान जिन परेशानियों और जिन उलझनों का शिकार है उनका सलूशन बहुत ही आसान, नहायत आसान। वो मेडिसन ऑलरेडी इंसान के पास मौजूद है, सिर्फ उस मेडिसन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज दैट मेडिसन। इंसान आज माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान है, कुछ लोग अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग आजकल इन्फ्लेशन है, देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज। हर इंसान का एक अपनी कहानी है और उसका अपना एक मसला है और वो मुख्तलिफ ज़हनी कॉम्प्लिकेशंस और एनजाइटी और मुख्तलिफ उलझनों का शिकार है। लेकिन हम बहसियत मुसलमान तो इंतहाई खुशकिस्मत है कि हमारे तो तमाम तर प्रॉब्लम्स का सलूशन इंतहाई आसान, इट्स वेरी वेरी ईजी सलूशन टू ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। एंड वॉट इज दिस, वॉट इज दैट सलूशन? दुआ। दुआ वो सलूशन है जो कि आपके हर मसले का हल, हर मसले का हल। अगर आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एनालिसिस करें, जिनके हम फॉलोअर हैं, हम ये कहते हैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम कलमा तैयबा में ये बात करते हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अच्छा, अब ये तो हम कहते हैं, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं जो अमल कसरत से किया होगा वो दुआ है सबसे। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझें और देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से निकलते वक्त दुआ, घर में वापस दाखिल होते वक्त दुआ, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ, मस्जिद से रोज़ा रखने की दुआ, रोज़ा को अफ्तार करने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, अपने औलाद के हक की दुआ, माँ बाप के लिए दुआ, बीमारी की दुआ, कौन सा ऐसा अमल है? अब अगर आप दुआ, एक मैं इंशाल्लाह इन एक एक करके मैं ये सारी दुआ के साथ भी आपके सामने आऊँगा कि मुख्तलिफ कौन सी ऐसी दुआएँ, एक एक मैं इंशाल्लाह दुआ को भी डिस्कस करूँगा। कौन सा ऐसा अमल है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से काम नहीं किया? अपनी सारी जिंदगी के सलूशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ दुआ के नतीजे में सामने लाए, सिर्फ और सिर्फ दुआ के नतीजे। और मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में ये बात दुआ की इंपॉर्टेंस से की भी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, कि जिसमें मैं मोटी मोटी बात चले उसको रिवाइज करता हूँ, कि दुआ तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदल सकती मगर दुआ। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजमत वाला अमल जो है वो दुआ है। मोमिन के पास सबसे बड़ा हथियार दुआ है, वो अपनी हर बात अल्लाह ताला से मनवा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म का सलूशन आप चाहते हैं, आपके जहन में कोई उलझन है, परेशानी, आप वो अल्लाह से डिस्कस करें, या रब्बुल आलमीन मुझे इसका सलूशन दे, मेरे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा आपका। सिर्फ बात यह है कि हमने अल्लाह के हजूर आना है और अल्लाह से मांगना है। अब इसमें कुछ और भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं कि जब आपकी दुआ डिले में चली जाती है, जब वो थोड़ा डिले का शिकार हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमान को तो कभी डिसहार्ट होना ही नहीं चाहिए। अल्लाह से नाउमीदी का तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद हो जाए। इसमें भी तीन सूरतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाई हैं कि अव्वल तो इंसान की दुआ कबूल हो जाती है, और अगर फर्ज करें वो दुआ कबूल नहीं होती तो उसके नतीजे में अगर कोई मुसीबत इंसान पर आने लगती है तो वो मुसीबत टल जाती है, और तीसरी सूरत यह है कि वो दुआ जो है वो उसकी आखिरत के लिए रख दी जाती है कि आखिरत में उसके लिए एक बेहतर सामान वहां पे तैयार कर दिया जाता है। इसमें भी कुछ असल में कुछ हमारी ही गलतियां हैं, हम बहसियत इंसान ही कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं और कुछ गैप्स छोड़ जाते हैं। मुसलमान होने के बावजूद भी हमारी जो है, मैं समझता हूँ पुख्ता यकीन के साथ अगर इंसान अल्लाह पर यकीन रखे तो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें यही इसी तरीके से तो किया, और अल्लाह से जो दुआ करते थे वो कबूल हो जाती थी। अब यहाँ पर जो अब देखें इस दुआ को डिले में जाना या उसके कबूल ना होने की जो कुछ वजूहात हैं वो भी डिस्कस्ड हैं अहादीस में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम खाने वालों की दुआ जो है वो कबूल नहीं होती, गफलत से की हुई दुआ जो है वो भी फिर कबूल नहीं होती, कि अब आपका ध्यान कहीं और है और आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अब उस सूरत में भी दुआ कबूल नहीं होती। जना करने वाले लोगों की भी दुआ कबूल नहीं होती।
ये कुछ ऐसे हैं पॉइंट्स जिनके ऊपर दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन मैं आपको इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चाहूँ। शैतान ने जब अल्लाह ताला से ये दुआ की कि रब मुझे तू क्यामत तक के लिए मौका दे दे कि मैं तेरे बंदों को बरगलाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने शैतान की दुआ कबूल कर ली। इसमें ये नहीं है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती, वही बात है, वो तीन सूरतें, या तो वो आखिरत के लिए रखती जाती है, या आपकी कोई मुसीबत टल जाती है, या फिर वो कबूल होती है। दुआ आपकी कभी भी रद्द नहीं होती, दुआ आपकी जरूर महफूज है। सिर्फ बात यह है कि आप और भी बहुत सारे अपने अफाल को देखें और उनको दुरुस्त करने की भी साथ साथ कोशिश करें। आपकी दुआ ही आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसन और आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन है। ये बात जहन में रखिएगा कि वो अल्लाह की ज़ात जो सारी कायनात की खालिक और मालिक है, जो सारे सिस्टम को चला रही है, जिसने हमें भी इस दुनिया में भेजा और एक दिन वो हमें इस दुनिया से उठाएगा भी, सारा कंट्रोल तो अल्लाह के इख्तियार में है। जो कि सूरज को मशरक से निकालता है, मगरब में गुरूब करता है, ये सिर्फ वही ऑलमाइटी है जिसके पास ये सारी की सारी ताकत मौजूद। वही आपके सारे अफाल को दुरुस्त कर सकता है। आप अल्लाह से दुआ तो करें सच्चे दिल से, और आप ये देखें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कहीं कोई आपने तोबा नहीं की, आपने गुनाह किया हुआ और आप अभी तक आपको अपने गुनाह पर कोई नदामत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। आप नदामत का इजहार करेंगे रब्बुल आलमीन, लालंत सुभान कुन तुम नज़ालिमीन। देखिए अब इसमें आखिर में हम अपनी अपनी नदामत का इजहार कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन मैं ही जालिम हूँ और मैंने जुर्म किया था, तुम मुझ पर अपना रहम फरमा। तो हमें इस बात की जरूरत है, दुआ हमारी कभी रद्द नहीं होती, हमें सिर्फ अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करनी है। दिस इज दी ओनली मेडिसन अवेलेबल टू अस, और ये वो मेडिसन है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी इस्तेमाल करते रहे। इसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हैं। ये आपको इस मेडिसन से सिर्फ आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं आपके ऊपर, देयर आर नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसन। सो हमें ये चाहिए कि हम दुआ से अपनी जिंदगी के अंदर अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला की ज़ात ही हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका।